और अब बात करते हैं राजस्थान के कोटा की। जीवन में कुछ बनने और करने के लिए सबसे पहले अभिभावकों और बच्चों को किसी जगह की याद आती है तो वो कोटा है। देखते ही देखते कोटा में हॉस्टल का धंधा 6,000 करोड़ से भी ऊपर का हो गया, लेकिन आज इस धंधे से जुड़े लोग आत्महत्या की बात करने लगे हैं। आखिर ऐसा क्यों? रिपोर्ट देखिए। सब बाहर सेंटर खोल के बच्चा वहीं रुक चुका है, लखनऊ और पटना में। बस यही है कि वहाँ के सेंटर बंद हो जाए तो यहाँ का कोरल में जो बच्चा सब कवर हो जाए। आज इस कोटा की स्थिति है कि हर आदमी मतलब रोड पे आने के लिए आतुर है। मतलब ये अगर यही स्थिति रहेगी तो कोटा के अंदर मतलब बहुत आगे का जो समय है बहुत ख़राब है। अगर यही स्थिति अगर कोटा की रही तो कोटा तो वैसे ही भुखमरी पे आएगा। कोटा जो कभी देश भर के लाखों बच्चों के लिए सुनहरे भविष्य का शहर हुआ करता था, जहाँ की ऊंची ऊंची इमारतों में अलग अलग शहरों से आए बच्चे रहते थे और यहाँ की कोचिंग में पढ़ते थे, पर आज ये शहर वीरान हो रहा है। यहाँ की बिल्डिंग में बच्चों की मौजूदगी ना के बराबर है। हालात ये है कि जिन छात्रों की वजह से हॉस्टल का व्यापार 6,000 करोड़ से ज्यादा पहुँच गया था, आज वो हॉस्टल चलाने वाले लोग बर्बादी के कगार पर पहुँच चुके हैं। कल तक इस शहर में स्टूडेंट्स की सुसाइड की खबरें आती थी, अब हॉस्टल का बिजनेस करने वाले लोग सुसाइड की बातें करने लगे हैं। सब लोग अपना व्यापार कुछ सोच के ही करते हैं कि दो पैसे की अर्निंग हो, लेकिन सर यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि आत्महत्या करने की स्थिति है लीज होल्डर की। ये तो कोटा इस पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ही चल रही है। टोटल सारा जो भी एक रेडी वाला हो, ठेले वाला हो, आइसक्रीम वाला हो, ऑटो वाला हो, टोटल काम कोचिंग पे चल रहा है। कोचिंग से ही कोटा चल रहा है। अपना 50 लाख रुपए मैंने घाटे में देके आज कोई मुझसे सौदा कर ले तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। कोई 2.5 लाख भी 2.5 करोड़ भी दे दे तो मैं दे दूँ आज मेरा हॉस्टल। छात्रों की संख्या में कमी के पीछे भी कोटा की कोचिंग ही जिम्मेदार है। कोटा के कई कोचिंग संस्थानों ने अपने अपने सेंटर देश के कई राज्यों में खोल दिए हैं। यूपी, बिहार, दिल्ली, पुणे जैसे राज्यों में सेंटर खुल जाने से कई छात्र अब इतनी दूर कोटा नहीं आना चाहते। दूसरे राज्यों के बच्चों को अपने ही शहर में कोटा वाली सुविधा मिल रही हो तो भला अभिभावक अपने बच्चों को कोटा क्यों भेजे। कोचिंग सिटी कोटा में बने लग्जरी हॉस्टल कोचिंग स्टूडेंट्स की राह देख रहे हैं। कई ऐसे हॉस्टल हैं जो अब तक पूरी तरह से खाली हैं। कोचिंग सीजन शुरू होने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ रहने के लिए नहीं आए तो इन हॉस्टल मालिकों ने किराया आधा तक कर दिया। हाल ही में 200 से 300 फाइव स्टार कैटेगरी के लग्जरी सुविधाओं से लैस नए हॉस्टल भी बनकर तैयार हैं। पहले यहाँ एक एसी रूम का किराया 15 से 20 हज़ार रुपए हुआ करता था, जो अब घटकर 7 से 8 हज़ार रुपए तक आ गया है। लेकिन बच्चे यहाँ नहीं आ रहे। हालात ये हैं कि निवेश करने वालों को बिजली पानी का बिल चुकाना भारी पड़ रहा है तो कई लोग बैंक की किस्त नहीं दे पा रहे हैं। के सब लोगों को एक सांत्वना दी, आप यहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा कीजिए, आप यहाँ बिल्डिंग बनाइए। हमने 32,000 की कैपेसिटी की बिल्डिंग बनाई है, 200 करोड़ का इसमें इन्वेस्ट किया है, तो हम लोग यहाँ बच्चा लेके आएंगे और आप लोगों के इन्वेस्ट को हम व्यर्थ नहीं होने देंगे, खराब नहीं होने देंगे। लेकिन आज यही लोग मुकर रहे हैं। आज कोटा में जो डेवलपमेंट है वो कहीं पर भी नहीं है। पूरी ऑल इंडिया भारत को ले लो आप, जो कोटा में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है सिटी को लेके और पढ़ाई के माहौल को लेके, वो कहीं भी नहीं मिलेगा। उसके बाद भी बच्चा वहाँ रुक रहा है, जबरदस्ती रोका जा रहा है। फिलहाल यहाँ 10 से 20% ही कोचिंग स्टूडेंट मौजूद हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बने 5 स्टार जैसी सुविधा देने वाले यह हॉस्टल पिछले कुछ महीनों से वीरान है। KK शर्मा, Z Media।